इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव के बारे में, तो वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। '1986 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग नाम के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी डेवलप की थी, जिस थ्योरी का नाम है ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लव के तीन बेसिक कॉम्पोनेंट है, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। इंटीमेसी में आता है इमोशनल कनेक्शन, शेयरिंग, जहाँ पे हम किसी से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, एक बॉन्ड फील करते हैं। सेकंड है पैशन, पैशन में आता है फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन। और थर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट दो तरह के हैं, शॉर्ट टर्म, जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी पर्सन को लव करते हैं, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उस लव को मेंटेन करके रखेंगे। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जब ये तीन कॉम्पोनेंट आपस में डिफरेंट डिग्री में कंबाइन करती है तो 7 टाइप्स ऑफ लव फॉर्म करती है। फर्स्ट है लाइकिंग, जहाँ पर इंटीमेसी प्रेजेंट होता है पर पैशन और कमिटमेंट एब्सेंट होता है। इंटीमेसी होने की वजह से यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन होता है, और दो लोग आपस में अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, और एक कनेक्शन और एक बॉन्ड फील करते हैं आपस में। इस लव का एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप। इस लव में पैशन प्रेजेंट होता है पर कमिटमेंट और इंटीमेसी दोनों ही एब्सेंट होता है। पैशन प्रेजेंट होने की वजह से इस लव में बस एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और अगर सही समय पे इस लव में कमिटमेंट और इंटीमेसी डेवलप नहीं होती तो ये लव जल्द ही हवा हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इस लव में कमिटमेंट होता है पर इंटीमेसी यानी कि इमोशनल कनेक्शन और पैशन यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। कोई कोई लव जो कि पहले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, आगे जाके एम्प्टी लव में बदल जाता है, जहाँ पे इंटीमेसी और पैशन तो खत्म हो जाता है पर कमिटमेंट रह जाता है। एम्प्टी लव में अरेंज मैरिज भी आते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी दो लोग आपस में जुड़ते हैं कमिटमेंट के लिए, पर उनमें कोई भी इंटीमेसी या पैशन नहीं होता स्टार्टिंग में। रोमांटिक लव में बोथ पैशन और इंटीमेसी प्रेजेंट होता है पर यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं होता। यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन होता है दो लोगों में, पर कमिटमेंट नहीं होने की वजह से दोनों एक दूसरे को लव नहीं करते, और ना ही उस लव को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इस टाइप के लव में कमिटमेंट होता है और पैशन भी होता है पर कोई इंटीमेसी नहीं होता है। इस टाइप के लव में उस तरह के रिलेशनशिप आते हैं जहाँ पे दो लोग सिर्फ इसलिए कमिटमेंट में आ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को लेकर फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में सही समय पर इंटीमेसी डेवलप नहीं होती तो ये रिलेशनशिप जल्द ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटीमेसी किसी भी रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंपेनियनेट लव, इस लव में इंटीमेसी और कमिटमेंट होता है बट कोई पैशन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हुआ लॉन्ग टर्म मैरिज, जहाँ पे दो लोग आपस में होते हैं, उनमें एक इमोशनल कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप होता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं कमिटमेंट में, बट उनके बीच का पैशन खत्म हो जाता है। कॉन्समनेट लव को लव का कम्प्लीट फॉर्म माना गया है, क्योंकि इसमें लव के तीनों कॉम्पोनेंट यानी कि इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट होता है। कॉन्समनेट लव को एसोसिएट किया जाता है परफेक्ट कपल से। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग ऐसे कपल बहुत ही लंबे समय तक साथ रहते हैं, एंड ये खुद को किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकते। इनमें इमोशनल, फिजिकल कनेक्शन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तीनों ही होता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ये एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर समय के साथ पैशन इस लव में खत्म हो जाता है तो ये रिलेशनशिप आगे जाके कंपेनियट लव में चेंज हो जाता है। इस टाइप के लव के एग्जाम्पल में होते हैं अडल्ट लव रिलेशनशिप।